Welcome back to my YouTube channel. Today in this video we are going to study about the important topics. We are going to see the important topics of lesson number 5, that is secondary economic activities, on which topics you need to focus and what is going to help you out to score the good marks in a very short period of time that I'm going to tell you. As we all know that this year, because of COVID situation, we had already faced a lot of problems. We have learned everything online. So today I'll just share you some strategies, some tips on which you can rely to get good marks or to score good marks in your geography subject. So let us begin with this chapter. So in this chapter, as we all know, the heading is secondary economic activities. So the total weightage for this is very good weightage, that is 12 marks without option and 17 marks with option. So it is one of the most important and mandatory chapter of your total syllabus. Now here we need to know what are the secondary economic activities and what are the definitions related to secondary economic activities and the occupations which come under your secondary economic activity. ये basic आपको पता होना चाहिए. Okay, अभी weight losing industries and weight gaining industries, ये जो है in your remember always section, तो ये जो है ये question आपके MCQs में आ सकता है या फिर डिफरेंस बिटवीन में भी आ सकता है. ओके, सो इट मे कम इन द केस ऑफ डिफरेंस बिटवीन और इट मे कम इन द केस ऑफ MCQs. ठीक है, इसके ऊपर ज़्यादा शॉर्ट नोट या फिर गिव रीजंस इट मे नॉट कम. आगे है सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच मे कम फॉर 8 marks. 8 marks के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है फिजिकल फैक्टर्स. फिजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग द सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन, दोनों का आंसर एक ही है. तो इसमें आपको क्लाइमेट के ऊपर लिखना है, इसमें आपको अवेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल के ऊपर आपको पॉइंट्स लिखने हैं, वाटर सप्लाई, पावर सप्लाई, लेबर, देन ट्रांसपोर्टेशन, साइट और अवेबिलिटी ऑफ लैंड, ये सारे जो है ये है आपके फिजिकल फैक्टर्स. आगे है इकोनॉमिक फैक्टर्स. इकोनॉमिक फैक्टर्स है प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट. ठीक है, फिर है पॉलिटिकल फैक्टर्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज, सेटिंग अप सेल्स एंड अदर फैक्टर्स लाइक स्प्लिट लोकेशन, इकोनॉमीज और स्केल्स और एग्लोमरेशन. अभी मोस्ट प्रोबेबली अगर ये क्वेश्चन 8 marks के लिए आएगा तो ये क्वेश्चन किस तरीके से आएगा. द क्वेश्चन विल कम, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज. तो इसमें आपको फिजिकल भी लिखने हैं, इकोनॉमिक भी लिखने हैं एंड पॉलिटिकल भी लिखने हैं, मतलब सारे के सारे फैक्टर्स आपको इसमें लिखने हैं. ये क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा है एंड इस साल भी ये क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा फॉर 8 marks. सो काइंडली टेक अ नोट ऑफ दिस वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड वेरी वेरी इम्पोर्टेंट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर. आगे है वो है फुटलूज इंडस्ट्रीज. फुटलूज इंडस्ट्रीज के ऊपर डेफिनेटली शॉर्ट नोट आ सकती है. एज वी ऑल नो कि इस चैप्टर में कोई डायग्राम नहीं है, तो इस चैप्टर का डायग्राम में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन डेफिनेटली शॉर्ट नोट हो या फिर डिफरेंस बिटवीन हो या फिर आंसर इन ब्रीफ, गिव रीजंस, इस क्वेश्चन इस चैप्टर में से बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे एंड ऑलरेडी दिस चैप्टर हैज़ सो मच ऑफ वेटेज. ओके, सो काइंडली फोकस ऑन द टॉपिक्स. आगे है, दिस इज अ मैप विच इज गिवन. ये मैप जो है वो आपको बहुत अच्छे से करना है. सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स दिखाई दिए हैं. ठीक है, सो यहाँ ऑल दीज रीजन्स यू शुड टेक अ नोट, एशिया में कौन से है या फिर यूरोप में कौन से है, देन व्हाट अबाउट कनाडा, व्हाट अबाउट नॉर्थ अमेरिका, ऑल दिस थिंग्स यू नीड टू नो. और ये जो चार्ट है इसकी एक रफ आइडिया बस पढ़ के जाओ
just read it and go. So this table will definitely help you in the section of map. Okay, so you should know that which are the major industrial regions in the continent, then in which countries what type of crop is grown or which type of industries are grown. So this table you need to by heart, which type of industries are seen in New York or which type of industries are seen in China. So these are the questions which you need to know, and with the help of this you can just make sure that you answer the graph questions. Okay, so major industrialization in regions like continents like Japan, India, Russia. तो ये जो है, ये जो टेबल है, ये आपको मैप सेक्शन में डेफिनेटली हेल्प करेगा. जस्ट रीड दिस टेबल प्रॉपरली एंड क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग द इंडस्ट्रीज एंड द सेक्टर्स इन ईच एंड एवरी कंट्री विच आर वेरी मच फेमस इन द केस ऑफ इंडस्ट्रीज. नाउ वन हिंट आई वुड लाइक टू गिव यू, जस्ट हैव अ लुक. दे हैव डिस्क्राइब्ड हियर अबाउट जापान, दे हैव डिस्क्राइब्ड हियर अबाउट इंडिया, अबाउट रशिया एंड साउथ अमेरिका, अफ्रीका. So these are some of the places related to which they have described you in the textbook. So I just want you to focus only on these places. So agar question aayega to definitely inhi countries ke bare mein aa sakta hai. Related to these only locations the question will come in your examinations. This is what I feel. Now we'll move further with the classifications. अभी ये जो sector है ये बहुत important है. Classifications of industries जो है ये बहुत अलग अलग concept के ऊपर explain किए गए हैं. Like classifications on the basis of raw material. तो raw material के basis पे agro based industries है, marine based industries है, like forest based industries, mineral based industries and pastoral based industries. So this is also an important question which I feel. आगे चल के है on the basis of capital investment. तो classification on the basis of capital investment. तो इसके ऊपर है large scale, small scale, micro scale, medium scale. इसके ऊपर MCQs आ सकते हैं. According to me, I don't feel कि इसके ऊपर कुछ question answers आएंगे. इसके ऊपर definitely MCQs आ सकते हैं. उसके बाद है नेचर ऑफ आउटपुट. नेचर ऑफ आउटपुट के बेसिस पे बेसिक इंडस्ट्रीज और हैवी इंडस्ट्रीज, कंज्यूमर गुड्स, लाइट इंडस्ट्रीज, एंकिलरी इंडस्ट्रीज. सो दीज आर डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स विच आर बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ आउटपुट. एंड लास्ट इज योर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओनरशिप. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. सो यहाँ पे पब्लिक सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर, ज्वाइंट सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर एंड MNCs. Very important topic of this chapter. Very important. I want you all to focus on this part, that is classification of industries based on all the things. इसमें से ही सबसे important जो है वो है classification on the basis of raw material and classification on the basis of ownership. And the last part of this chapter is this diagram. Very important. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है रिलेटेड टू इंडस्ट्रीज, ये डायग्राम अगर आपने ड्रॉ किया, डेफिनेटली द एग्जामिनर इज गोइंग टू गिव यू गुड मार्क्स लुकिंग एट द डायग्राम. सो काइंडली प्रिपेयर फॉर दिस डायग्राम. चलो अभी शॉर्ट में फिर से बताती हूँ इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर में आपको क्या क्या करना है. तो इस चैप्टर में आपको क्या करना है, दिस चैप्टर इज बेस्ड ऑन सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट हाइएस्ट चैप्टर, वेटेज चैप्टर इन योर बुक. So very important, you cannot skip this chapter in any ways. Okay, तो secondary में किस तरीके के occupations आते हैं वो आपको पता होना चाहिए. Factors affecting the location of industries, very important question. इसमें physical factors आएंगे, economic factors आएंगे, ठीक है, as well as political factors आएंगे. ये सारे के सारे points आपको उसमें mention करने हैं. And this is the most likely to be asked question for 8 marks. वो पहले भी आया था और आगे भी ये question definitely board exams में आएगा. Okay. Next है ये जो map है, मैंने जो बोला था कि इसको आप ध्यान से देखो, इसको आप अच्छे से समझो. And this table is also going to help you to answer the questions in the map. Okay. So read this table, go through it.
इस टेबल के अंदर कुछ कंट्रीज के नेम्स है, लाइक जापान है, रशिया है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, तो इनके बारे में थोड़ा रिसर्च करो, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लो, ये लोकेट कहाँ पे होते हैं ये देखो, क्योंकि अगर कुछ क्वेश्चन भी आता है मैप में तो इन्हीं प्लेसेस के ऊपर आएंगे. ओके, इट विल नॉट कम समथिंग डिफरेंट. ओके, नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन के आधारित, इट इज बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल, इट इज बेस्ड ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इट इज बेस्ड ऑन ओनरशिप्स. तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल एंड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओनरशिप. ये दो चीजें आपको बहुत अच्छे से करनी है. एंड द लास्ट पार्ट इज द डायग्राम. ये डायग्राम आ सकती है, एंड अगर इससे रिलेटेड कुछ भी, इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन अगर आपको आता है इन द केस ऑफ 8 marks, यू कैन गो अहेड विद दिस डायग्राम. डेफिनेटली यू कैन रियली गो अहेड विद दिस डायग्राम विच विल हेल्प यू अ लॉट टू गेट गुड मार्क्स. सो दिस इज वॉट आई सजेस्ट, दिस आर वॉट माई स्ट्रैटेजीज एंड टिप्स फॉर यू टू गिव इन योर बोर्ड एग्जामिनेशंस. All the best to all of you. Kindly subscribe the channel if you like the video. Thank you for watching.